हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? हाँ भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्गीकरण स्टार्ट किया था तत्वों का। और जो तत्वों का वर्गीकरण था उसमें हम फर्स्ट पार्ट की बात कर चुके थे लगभग, क्योंकि हमने कहा था बोहर के अनुसार वर्गीकरण। चलिए तत्वों का वर्गीकरण। बोहर के अनुसार जो वर्गीकरण था वो बाह्यतम कोष, उपांत्य कोष, पूर्व उपांत्य कोष पर आधारित था। उसके अनुसार चार कैटेगरी बनाई गई थी। आज हम बात करेंगे अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के आधार पर वर्गीकरण। अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के आधार पर वर्गीकरण। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में भरा जाएगा उसके आधार पर वर्गीकरण करना है। और उसके आधार पर तत्वों को चार कैटेगरी में एस पी डी एफ, इन चार कैटेगरी में बांटा गया है। एस खंड के तत्व, पी खंड के तत्व, डी खंड के तत्व और एफ खंड के तत्व। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर वन एस खंड के तत्वों की। एस खंड के तत्व देखिए, एस खंड के तत्व सिंपली इस लाइन के बेस पे डेफिनेशन दोगे। डेफिनेशन क्या होगी? नंबर वन, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरा जाता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरा जाता है उन्हें क्या कहा जाएगा? एस खंड के तत्व कहा जाता है। एस खंड के जो कुल तत्व हैं इनकी संख्या 14 है। एस खंड के तत्वों की संख्या कितनी है? 14। ये जो 14 तत्व हैं, इन 14 तत्वों में से सिंपली बात करें तो पहले इनको इस तरह से डिवाइड करते हैं। देखिए, 7 तत्व वर्ग संख्या 1 में रखे गए हैं, 6 तत्व वर्ग संख्या 2 में रखे गए हैं और एक तत्व हीलियम, जो कि इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर एस खंड का तत्व है लेकिन अपने गुणों के कारण इसको अक्रिय गैसों के साथ रखा गया है। लेकिन हम चूंकि यहां अंतिम इलेक्ट्रॉन का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं इसलिए हीलियम 1s2 अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, इसलिए इसको यहां शामिल किया गया है। तो कुल 14 तत्वों में से 7 तत्व वर्ग संख्या 1 में, 6 तत्व वर्ग संख्या 2 में और हीलियम को वर्ग संख्या 18 में रखा गया है, अक्रिय गैस माना गया है। क्लियर? अब ये जो 14 तत्व हैं, इन 14 तत्वों का दूसरा वर्गीकरण हम इस तरह कर सकते हैं। इन 14 तत्वों में से 12 तत्व तो धातु है और 2 तत्व अधातु है। अब 2 अधातु कौन कौन से हैं? तो हम कहेंगे हाइड्रोजन और हीलियम 2 अधातु तत्व है। बाकी बचे हुए 12 तत्व क्या है? धातु। ये जो 12 धातु तत्व है इनको फिर से दो कैटेगरी में बांट सकते हो। पहली कैटेगरी सार धातु तत्व और दूसरी कैटेगरी सारिये मृदा धातु तत्व। जो सार धातु तत्व है वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। और इसमें है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। तो ये 6 और 6 12 तत्व हैं, इनको धातु रख बनाया गया माना गया है और इन दो तत्वों को क्या माना गया? अधातु माना गया। फिर हम एक और वर्गीकरण की बात करें, हम यह कहें एस खंड में गैस, द्रव और ठोस तत्वों की संख्या बताइए। तो दो तत्व तो गैस हैं, कौन कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। दो तत्व द्रव हैं, कौन कौन से? सीजियम और फ्रांसियम। और बाकी जो बचे 10 तत्व वो कैसे हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये एक सिंपल सा वर्गीकरण है जो एस खंड के लिए आप लोगों को करना होता है। एक बार फर्स्ट पॉइंट, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरा जाएगा। सेकेंड, कुल तत्वों की संख्या 14 है, 14 को हम इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर? फिर देखिए, हम ये कहते हैं इन तत्वों को वर्ग संख्या 1 व 2 में रखा जाता है। वर्ग संख्या 1 और 2 में रखा जाता है। 1 को आपने फर्स्ट ए बोला है और 2 को आपने सेकेंड ए बोला है। क्लियर? फिर देखो, हम ये कहते हैं कि ये जो एस खंड के तत्व हैं इनका इनका सामान्य सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास, अच्छा ये जो सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास है ये बेटा बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। किसका विन्यास है? बाह्यतम कोष का
इलेक्ट्रॉन विन्यास, किसकी बात कर रहे हैं हम, बाह्यतम कोश की। तो पूरे ओवरऑल अगर एस ब्लॉक की बात करूं तो इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास एन एस वन से टू होता है, कितना होता है एन एस वन से टू। एन बाह्यतम कोश को रिप्रेजेंट करता है, एस उपकोश को रिप्रेजेंट करता है, और इस उपकोश में एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं, मिनिमम वन होगा मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो पूरे एस ब्लॉक का विन्यास हो गया। अब एस ब्लॉक में हमारे पास दो कैटेगरी थी, पहली है वर्ग संख्या एक फर्स्ट ए और दूसरी है वर्ग संख्या दो सेकेंड ए। फर्स्ट ए का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है एनएस वन और सेकेंड ए का विन्यास होता है एनएस टू। मतलब इस वर्ग में आने वाले सभी तत्वों के बाह्यतम कोष में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, जबकि इस वर्ग के तत्वों में हमेशा बाह्यतम कोष में दो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इस कारण अगर हम इनके ऑक्सीकरण अंक की बात करें या इनकी संयोजकता की बात करें तो हम ये कहेंगे फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों का ऑक्सीकरण अंक सदैव प्लस एक होगा, जबकि सेकेंड ए वर्ग के तत्वों का ऑक्सीकरण सदैव प्लस दो होगा। प्लस क्यों है, हमने कहा ये धातु तत्व हैं, बेसिकली सार धातु, सार ये मृदा धातु, और लेवोसियर के अनुसार जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाएगा वो धातु है। तो प्लस चार्ज ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, तो इनका ऑक्सीकरण अंक प्लस वन माना जाएगा, इनका ऑक्सीकरण अंक प्लस टू माना जाएगा। क्लियर बात, ये तो बात हुई जनरल इनकी इंट्रोडक्शन। फिर हमने कहा पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व कौन से, तो हम कहेंगे एस खंड के तत्वों की क्रियाशीलता संपूर्ण आवर्त सारणी में सबसे अधिक होती है। अब सबसे ज्यादा क्रियाशीलता है किसकी, एस खंड के तत्वों की, तो हम यहां ऐसा लिख दें सर्वाधिक क्रियाशील, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व हैं कौन से खंड के, एस खंड के तत्वों को सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व माना गया है। फिर देखो ये जो तत्व हैं इनमें से लिथियम और बेरिलियम को मैं अलग कर लेता हूं, एस खंड के सारे तत्वों में से किसको, लिथियम और बेरिलियम को अलग कर लेते हैं। जो बोहर का वर्गीकरण था उसमें हमने एक कैटेगरी रखी थी सामान्य या प्रतिनिधि तत्व, जो तत्व अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा वो उस कैटेगरी में आएगा, सही बात है यानी। लेकिन यहां अपने वर्ग का पहला सदस्य यही है, लेकिन इनको मैं प्रतिनिधि तत्व नहीं मान सकता, क्यों, क्योंकि इन दोनों तत्वों में एक विशेष गुण पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं विकर्ण संबंध। क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध। तो लिथियम और बेरिलियम विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं, विकर्ण संबंध दर्शाने के कारण इन्हें प्रतिनिधि तत्व न मानकर सेतु तत्व माना जाता है, ब्रिज एलिमेंट, क्या मानते हैं, सेतु तत्व या ब्रिज एलिमेंट माना जाता है, किस किस को, लिथियम बेरिलियम को। और इनके साथ अगर हम और कंसीडर करें तो पी ब्लॉक से एक एलिमेंट और आ सकता है जिसको हम बोरोन बोलते हैं। तो सेतु तत्वों के उदाहरण क्या, लिथियम बेरिलियम बोरोन। एस खंड के कौन कौन से तत्व सेतु तत्व, तो हम कहेंगे लिथियम और बेरिलियम। ये वही बात है, एक एस खंड के तत्वों में एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि ये ज्वाला परीक्षण प्रदर्शित करते हैं, मतलब जब इन्हें जलाया जाता है या बुनसन बर्नर की ज्वाला पे इनको जलाते हैं तो ये ज्वाला को विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं, ठीक बात है। जैसे हम ये बात करें बेरियम सेब एप्पल ग्रीन कलर देता है, सेब जैसा हरा रंग प्रदान करता है, पोटेशियम बैंगनी रंग प्रदान करता है, ठीक है, कैल्शियम सुनहरा पीला रंग प्रदान करता है, तो अलग अलग जो एलिमेंट है उनका बुनसन बर्नर की ज्वाला को वो अलग अलग रंग प्रदान करते हैं। तो अभी सिंपली केवल एक पॉइंट की बात करेंगे, ज्यादा नहीं करनी है, और वो पॉइंट क्या होगा, एस खंड के तत्व ज्वाला परीक्षण दर्शाते हैं, एस खंड के तत्व ज्वाला परीक्षण दर्शाते हैं और बुनसन बर्नर की ज्वाला को विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं। क्लियर, उसके बाद एक मेन पॉइंट की बात और कर लें, वो ये है कि जब इनको द्रव अमोनिया में, एस खंड के तत्वों को द्रव अमोनिया में विलय किया जाता है, विलय करने पर नीले रंग का विलयन, नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। एस खंड के तत्वों को द्रव अमोनिया में विलय करने पर कौन से रंग का विलयन प्राप्त होता है, नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है, और ये जो नीला रंग हमें प्राप्त हो रहा है ये नीला रंग विलायक योजी इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है।
नीले रंग किसके कारण होता है? सोल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, विलायक योजी इलेक्ट्रॉनों के बनने के कारण ये नीला रंग उत्पन्न होता है। ठीक बात है। कैसे? एक रिएक्शन से आप इसको समझो। हमने ये कहा कि कोई भी मेटल है जो एस खंड का है, धातु, इसकी क्रिया किससे कराते हैं? एक्स प्लस वाई मोल लेते हैं हम किसके? अमोनिया के, NH3 के। इन दोनों की जब क्रिया होती है तो ये जो M होता है मेटल, ये टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो M प्लस बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करता है। इस अमोनिया का कुछ भाग तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ और कुछ बचा हुआ भाग इसके साथ चला जाता है। मतलब जैसे ही इनकी क्रिया होती है हमारे पास बनता है M NH3X ब्रैकेट क्लोज, इस पे आता है प्लस चार्ज, प्लस एक हमारे पास बनता है E NH3Y ब्रेकेट क्लोज और इस पे आता है माइनस चार्ज। ये जो स्पीसीज बन रही है इस स्पीसीज को बोलते हैं विलायक योजी इलेक्ट्रॉन, और इसके बनने की वजह से द्रव अमोनिया में सार धातुओं या सारी मृदा धातुओं का जो विलयन है वो नीले रंग का होता है, गहरे नीले रंग का हमें विलयन प्राप्त होता है। ये सारे जितनी भी प्रॉपर्टी है ये सारी प्रॉपर्टीज कौन से खंड के तत्व दर्शाते हैं? एस खंड के तत्वों द्वारा प्रदर्शित होती है। ये एक जनरल सा इंट्रोडक्शन जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, बाकी डिटेल हम ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे SPDF की जो भी है। ठीक है, ओके। अब वर्गीकरण में दूसरा पार्ट है हमारे पास पी खंड के तत्व। सेकेंड है पी खंड के तत्व। देखिए पहला पॉइंट परिभाषा के हिसाब से क्या कहेंगे? ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरा जाता है पी खंड के तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो 30, क्योंकि पी खंड के जो तत्व हैं ये वर्ग संख्या 13 से 18 तक पाए जाते हैं। हीलियम अपवाद है, क्योंकि हीलियम को आपने किस खंड में भेज दिया? एस खंड में भेज दिया अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के आधार पर। तो हमारे पास कुल संख्या कितनी? 30। कहां से कहां तक? वर्ग संख्या 13 से लेके 18 तक पाए जाते हैं। अगर हम आवर्त की बात करें तो आवर्त संख्या 2 से 6 तक पाए जाते हैं। पी खंड में धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व रखे जाते हैं। धातु, अधातु और उपधातु तीनों तरीके के तत्व इसमें रखे जा सकते हैं। वही इसमें ठोस, द्रव व गैस तीनों प्रकार के तत्व रखे जा सकते हैं। पी खंड में जो गैसीय तत्व उनकी संख्या होती है 9। पी खंड में गैसीय तत्वों की संख्या 9, और टोटल पूरी आवर्त सारणी में बात करें तो टोटल कितने हैं? 11, क्योंकि साथ में क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन और हीलियम भी आ जाता है। 9 तत्व पी खंड में और 2 तत्व हाइड्रोजन हीलियम जो कि एस खंड में। तो कुल आवर्त सारणी में गैसीय तत्वों की संख्या कितनी? 11। पी ब्लॉक में कितनी? 9। अब आओ यहां पर द्रव। पी खंड में 2 द्रव तत्व है, एक द्रव तत्व है गैलियम और एक द्रव तत्व है Br। जो ब्रोमीन है इसको द्रव अधातु माना गया है। ब्रोमीन कैसा तत्व है? द्रव अधातु। जबकि गैलियम कैसा है? एक द्रव धातु तत्व है। और बाकी जितने एलिमेंट्स बचे वो सारे के सारे एलिमेंट किस कैटेगरी में जाएंगे? ठोस की कैटेगरी में रखे जाते हैं, ठोस पदार्थों के कैटेगरी में आते हैं। एक बात। दूसरी बात, हमने कहा आवर्त सारणी का इधर का भाग ज्यादा क्रियाशील है जबकि इधर का भाग कम क्रियाशील है। मतलब पी खंड के तत्वों में क्रियाशीलता एस खंड के तत्वों की तुलना में बहुत कम पाई जाती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, सहसंयोजक प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति? सहसंयोजक प्रवृत्ति। क्योंकि देखो अधात्विक गुण विकसित हो गया, हमने कहा बाएं से दाएं जा रहे हैं इधर वाले धातु तो उधर वाले अधातु, मतलब उधर के तत्वों में अधात्विक गुण है और जिनमें अधात्विक गुण पाया जाता है उनमें सहसंयोजक त्रिज्या पाई जाएगी, और जिनमें सहसंयोजक त्रिज्या होती है वो कौन सा बंध बनाते हैं? सहसंयोजक बंध बनाते हैं। मतलब इनमें सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ये साझा कर सकते हैं।
डी खंड के तत्वों में ऐसा नहीं है, वो आयनिक प्रवृत्ति के यौगिक बनाते हैं बेसिकली, लेकिन पी खंड के तत्व बेसिकली कौन से तत्व बनाते हैं, सहसंयोजक प्रवृत्ति के तत्वों का निर्माण करते हैं, सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक बात है। एक पॉइंट और, श्रृंखलन का गुण, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। पी खंड के तत्वों में श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होती है, और श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा पाई जाती है वर्ग संख्या 14 के तत्वों में। आप सबने पढ़ा है कार्बन, जब आप IUPAC नामकरण पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंडों का, तो आप वहां ये बोलते हैं कि कार्बन जो है वो एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करके नामकरण किया जाता है। मतलब वर्ग संख्या 14 के तत्वों में श्रृंखलन का गुण है, और श्रृंखलन की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा वर्ग संख्या 14 के किस तत्व में होती है, कार्बन में होती है। उसके बाद श्रृंखलन की प्रवृत्ति में वर्ग में नीचे जाने पर क्या होती है, कमी आती जाती है। ठीक बात है। तो पी खंड के जो तत्व है, पी खंड के तत्वों में सहसंयोजक प्रवृत्ति होती है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, धातु अधातु उपधातु तीनों प्रकार के गुण होते हैं। ठीक है, इनकी कुल संख्या 30 है, इनमें द्रव ठोस गैस सभी प्रकार के तत्व इनमें पाए जा सकते हैं। बेसिकली ये थोड़ा सा नॉर्मल इंट्रोडक्शन है पी ब्लॉक से संबंधित, जो हम लोगों ने यहाँ ट्राई किया है। एक तो ये, एक इसमें छोटा सा पॉइंट ओवर एड कर सकते हो आप, वो है प्रारूपी तत्व। ये पहले कहीं नहीं आया था उधर। तो प्रारूपी तत्व क्या है? तो प्रारूपी तत्व बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि आवर्त संख्या तीन के तत्वों को प्रारूपी तत्व कहा जाता है। कौन से आवर्त के? तीसरे आवर्त के। अब तीसरे आवर्त में कौन कौन आता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। आर्गन तो अक्रिय गैस है, इसलिए हम उसको प्रारूपी तत्वों की श्रेणी में नहीं रखेंगे, क्योंकि बोहर ने उसको अलग से एक कैटेगरी में रख दिया था जिसको हमने अक्रिय गैस बोला है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये जो तत्व हैं, इन सात सेवन एलिमेंट्स को, इन सात तत्वों को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रारूपी तत्वों की श्रेणी में रखा जाता है। नोट करो। थर्ड हम बात करेंगे डी खंड के तत्व। कौन से खंड के तत्व? डी खंड के तत्वों की। देखिए, बोहर ने एक वर्गीकरण किया था जिसमें आपने संक्रमण तत्व रखे थे। तो जहां आपने संक्रमण तत्व रखे हैं, वो संक्रमण तत्व वर्तमान में डी खंड के तत्वों की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो यहां हम डी खंड के तत्वों की बात करें, साथ में संक्रमण तत्व को कंसिडर कर लेंगे। तो देखो, हम ये कहते हैं कि ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरा जाएगा, वो क्या कहलाएंगे? डी खंड के तत्व कहलाते हैं। जो डी खंड के तत्व है, इनकी कुल संख्या 40 है, इन्हें चार श्रेणियों में रखा गया है। ये जो श्रेणियां हैं, इनको 3D, 4D, 5D और 6D श्रेणी बोला जाता है। इन तत्वों को वर्ग संख्या 3 से 12 तक रखा गया है। इन तत्वों को आवर्त संख्या 4 से 7 तक रखा जाता है। डी खंड के जो 40 तत्व है, 10-10 तत्वों की चार श्रेणियां बनाई गई है, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, इट्रियम से लेकर के कैडमियम तक, ठीक है, लेंथेनम से लेके मरकरी तक, और अंतिम एक्टिनियम से लेके अननबियम तक। ये चार श्रेणी के जो तत्व है, 40 तत्व है, इनको डी खंड में रखा गया है। वर्ग संख्या 3 से 12 में आएंगे, आवर्त संख्या 4 से 7 में आएंगे। ये जो डी खंड के तत्व है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में रखा जाता है, इनमें से ही एक अन्य कैटेगरी बनाई गई, संक्रमण तत्व। क्या बनाई गई? संक्रमण तत्व। डी खंड के 40 तत्वों में से 36 तत्व तो संक्रमण तत्व है, और 4 तत्व कौन कौन से? ZN, CD, HG, UUB, इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, बल्कि केवल इन तत्वों को ही क्या माना जाता है? संक्रमण तत्व माना जाता है। जो रिमेनिंग 36 एलिमेंट है उनको, इनको नहीं माना जाता, क्योंकि
जेड एन सी डी ए जी यू यू बी, इनका डी उपकोष, डी उपकोष पूर्ण पूरित होता है। कैसा होता है? पूर्ण पूरित। और डी पूर्ण पूरित होने के कारण इन तत्वों का उपांत्य कोष पूरा भर जाता है। और बोहर की परिभाषा के अनुसार संक्रमण तत्व वे तत्व हैं जिनका बाह्यतम कोष और उपांत्य कोष दोनों रिक्त पाए जाते हैं। तो इनका बाह्यतम कोष तो रिक्त है लेकिन इन चारों तत्वों का उपांत्य कोष पूरा भर गया, और उपांत्य कोष पूरा भरने के कारण हम ये कह देते हैं कि ये पूर्ण पूरित डी रिक्त सॉरी पूर्ण पूरित डी कक्षक रखते हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व नहीं मानेंगे। तो फिर संक्रमण तत्व क्या है? तो हमने कहा ये 36 तत्व संक्रमण तत्व है। तो परिभाषा क्या हो गई इनकी? ऐसे तत्व जिनमें रिक्त डी कक्षक पाया जाता है। ऐसे तत्व जिनमें क्या पाया जाता है? रिक्त डी कक्षक पाया जाता है, उनको ही क्या माना जाता है? संक्रमण तत्व माना जाता है। ठीक बात है। अब देखो इसका मतलब यह हुआ कि बेसिकली ये जितने भी तत्व हैं डी खंड में, इनमें ज्यादा मात्रा में संक्रमण तत्व। तो डी खंड की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने भी गुण हैं, वो सारे के सारे गुण निर्भर करते हैं संक्रमण तत्वों पर। तो जैसी कैटेगरी संक्रमण तत्वों के गुणों में होगी वो डी खंड का प्रतिनिधित्व करेगी। तो हमने ये कहा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये पहली श्रेणी है जिसको हमने 3D बोला है। इस श्रेणी का आवर्त है 4 नंबर। इस श्रेणी में वर्ग संख्या 3 से 12 तक के तत्व आते हैं। ये बाकी पे भी अप्लाई कर सकते हो, पर आपको इसके बेस पे बाकी और श्रेणियों का अध्ययन करना होता है। तो हमने ये कहा इस श्रेणी के जो तत्व हैं इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब एक मिनट के लिए पहले मैं डी का विन्यास लिखूंगा, फिर मैं इससे उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हमने कहा डी खंड के जो तत्व हैं, इन डी खंड के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास n-1d1-10 ns1 से 2 होता है। ये पूरे डी खंड का विन्यास है n-1d1-10 ns1 से 2। अब हमें इसके बेस पे 3D की बात करनी कि 3D के इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा। तो देखो 3D के एक एलिमेंट लेते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 के बाद 3d1। ये स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ये देखा जाता है कि यहाँ 4 नंबर आ रहा है क्या? तो ये इसका बाह्यतम कोष है। तो बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक बात है। तो ये खाली हो गया क्योंकि बोरबरी के नियम के अनुसार एक कोष में 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और 2n² का मतलब हो गया यहाँ 4 रखो, और 4 रखने का मतलब 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पूरा भरेगा। आ कितने रहे? 2। इसका मतलब ये कोष खाली है। अब आओ तीसरे में, यहाँ 3 रखो तो 18 हो गए क्या? यहाँ काउंट करो 3, 6, 2, 8 और 1, 9। 18 नहीं है, 9 ही है, और 9 ही है तो ये खाली है। इसका मतलब ये भी रिक्त है, ये भी रिक्त है। तो इसको संक्रमण तत्व बोल सकते हो।